क्या आप अपने बूढ़े माँ बाप से हजारों किलोमीटर दूर रहने पर मजबूर हैं? क्या आप भी अपनी नौकरी या अपनी सो कॉल्ड फास्ट पेस प्रोफेशनल लाइफ की वजह से अपने माँ बाप को समय नहीं दे पाते? अगर ऐसा है तो आई एम श्योर कि आपको हर पल उनकी चिंता सताती रहती होगी, और ये चिंता जायज भी है। एक रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 2 सालों में अकेले रहने वाले सीनियर सिटीजन पर होने वाला क्राइम 20% तक बढ़ा है, और एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन क्या इस समस्या का यही समाधान है कि उन बूढ़े माँ बाप की सुरक्षा के लिए उन्हें उनकी मिट्टी से अलग कर दिया जाए, और अपनी जिंदगी के 60 साल एक तरह के माहौल में बिताने के बाद क्या एक नए माहौल में एडजस्ट होना इन बुजुर्गों के लिए आसान है? आज यहां पात्र भले ही काल्पनिक है मगर कहानी बिल्कुल सच्ची, जहां बच्चे अपने माँ बाप की सुरक्षा के लिए, उनकी चिंता के लिए उन्हें अलग करना चाहती, लेकिन माँ बाप उम्र के इस पड़ाव पर एक दूसरे के साथ रहे। हमारी शादी ने 40 वर्ष होगा, मैं और हमारी बींदनी हमारे घर में खुशहाली लाने के लिए और परिवार में संगठित करने के लिए पूरा जीवन गुजार दी। हमारे एक बात समझ में को नहीं आ रही है कि बुढ़ापे का माँ हमारा दोनों छोरा माने दुनिया ने अलग अलग क्यों करना चाह। देखिए, हम लोग रिश्ते बांटने नहीं चाहते हैं। मैं और हमारा भाई हम माँ बापों को वो खुशी देना चाहते हैं जो उनका हक है, क्योंकि उनकी उम्र भी हो चुकी है और इस उम्र में उनका अकेले रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो फिर कैसे होगा इस समस्या का समाधान? आइए देखते हैं और करते हैं एक नई जिंदगी की हकीकत से आमना सामना। जिंदगी की हकीकत से आमना सामना के आज के फोरम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जयपुर के रहने वाले मिस्टर प्रताप सिंह राठौर और उनकी पत्नी गायत्री जी इस फोरम में हैं, और उनका मानना है कि उनके बेटे उनके और उनकी पत्नी के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं, और अपनी ऐसी चाह में वो अपने ही माता पिता को एक दूसरे से अलग कर रहे हैं। उनके दोनों बेटे एक एक करके 6-6 महीने अपने माता पिता को अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन प्रताप जी इस बात के लिए कतई तैयार नहीं है। समर सिंह राठौड़ और कृष्णा सिंह राठौड़ का ये मानना है कि अगर वो अपने माता पिता की जिम्मेदारी को बांट लें तो शायद वो उनकी देखभाल अच्छे से कर पाएंगे या उन्हें खुश रख पाएंगे। हमारे जूरी मेंबर्स के सामने आज सवाल ये है कि इस उम्र में बेटों का अपने माता पिता को जिम्मेदारी के नाम पर इस तरह अलग अलग रखना क्या सही है? इससे पहले कि इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, हम सबसे ये कहना चाहेंगे कि इस जूरी का जो भी निर्णय होगा वो आप सबको मान्य होगा। प्रताप जी, गायत्री जी, जूरी का जो भी फैसला होगा आप बिना किसी प्रश्न के मानेंगे? जी, आपका फैसला हमें मंजूर है, आप पे भरोसा है कि जो भी फैसला करोगे वो अच्छा ही करोगे। समर जी और कृष्णा जी, आपको भी जूरी का जो फैसला होगा वो मंजूर होगा? जी, मंजूर है हमें। प्रताप जी, क्योंकि आप इस समस्या को हमारे इस फोरम में लेके आए हैं, हम आपसे शुरुआत करते हैं। आप बताइए कि आपकी समस्या क्या है और हम किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं। जी, मेरे 2 बेटा हैं, बड़ा वाला है समर सिंह राठौड़, छोटा वाला है जो कृष्णा सिंह राठौड़। ये अपने धंधे के लिए हमसे दूर रहते हैं। समर जो है ये जैसलमेर अपनी बींदनी और बच्चों के साथ रहता है। कृष्णा है ये अपने परिवार के साथ बीकानेर में रहता है। मैं, मेरी जो बींदनी है गायत्री, इनके साथ जो है जयपुर में रहता हूँ। लेकिन प्रताप जी, समस्या क्या है आपकी? समस्या इतनी बड़ी ना है जितनी बड़ी इस फोरम में लाके हमारे बापू से ने कर दी। 6 साल पहले हमारी बहन प्रियांजलि की शादी हुई थी। वो शादी के बाद यूएसए में चली गई। उसके बाद बापूसा और मासा हमारी पुश्तैनी कोठी में अकेले रहने लगे, शहर से बाहर। तब से हम दोनों भाइयों को उनकी चिंता लगी रहती है। और आप लोगों को पता है तो जमाना कितना खराब है। और मारा ये कहना है कि बापूसा और मासा अलग अलग करके 6-6 महीने मारे संग और मारा छोटा कृष्णा के संग रहे, बस इतनी विनती है। इस तरीके से हम दोनों ने मासा और बापूसा का प्यार भी मिल जाएगा और हम दोनों को इन दोनों की सेवा करने का मौका भी। मैंने प्यार और सेवा से कोई इतराज नहीं, पर इतराज है बात को है कि मैं मेरी बींदनी से अलग जाके रहूं यह मान मंजूर नहीं है। बुढ़ापे की उम्र है, अब बुढ़ापे में अगर मैं बींदनी और मैं दोनों साथ एक दूसरे को नहीं देंगा तो मैं कहां जिएंगा? और ये मेरे बिना दूर रह ही नहीं सका और मैं के बिना नहीं रह सकूं। ये कैसी बात कर रहे हो बापूसा? के लागे तने की मासा की फिकर ना है मने? मारे पास रहेगी तो मासा मैं उसका ख्याल रख पाऊंगा। मारे को तो लागे है बापू सा कि आपका दिमाग ठिकाने पे ना है, नहीं तो इस मामले में आपको इतनी दिक्कत ना होती। कृष्णा, तने तमीज को नहीं बेटा, अपने बापू सा से ऐसी बात करते हैं?
इन्हें तो खुशी होनी चाहिए कि इनके बेटे इनके बारे में सोच रहे हैं, नहीं तो दूसरे माँ बाप अपने बच्चों की सूरत देखने के लिए भी तरस जाते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप दोनों भाइयों को अपने माता पिता की बहुत ही चिंता है, लेकिन आप दोनों को एक एक करके अपने घर क्यों ले जाना चाहते हैं? हाँ समर जी, प्रताप और गायत्री जी को आप 6 महीने अपने साथ रखिए और अगले 6 महीने कृष्णा जी उन्हें अपने घर ले जा सकते हैं। जी मन्ने, दोनों को एक साथ रखने में आपत्ति ना है, पर हमारी आर्थिक स्थिति भी तो ठीक होनी चाहिए। सर मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, इंजीनियर हूँ मैं, छोटा मोटा एक 35,000 तो तनख्वाह है मेरी, पूरी फैमिली की जिम्मेदारियां मेरे पे है, पर ऊपर से अगर मैं मासा बापूसा को दोनों को एक साथ अपने घर में रख लूं तो हमारे सर पे तो बोझी आ जाएगा ना। मैं ये नहीं कहता हूं कि बापूसा के पास पैसे ना है, हैं बापूसा के पास पैसे, वो मासा का ख्याल रख सकते हैं, और ऊपर से बापूसा की जो जयपुर से थोड़ी दूर आपकी कोठी है अगर उसको आप बेच भी देते हो तो 30-35 लाख मिलते हैं, बुढ़ापा सुधर जाएगा आपका। कोठी बेचने की बात मत कर तू। मैं कोठी बेचने की बात ना करूं बापूसा, मैं तो बस फोरम को सच्चाई बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि उस कोठी में इनकी जान बसती है, पर मैं ये नहीं चाहता कि बापूसा आप हमारे घर में आके मासा का खर्चा उठाएं। इससे शर्मनाक बात तो मेरे लिए क्या होगी बापूसा? समर जी, आपके घर में और कौन कौन है? जी मारी एक 9 साल की छोरी और एक 7 साल का छोरा और मारी बीनड़ी जानवी। अच्छा कृष्णा जी, आप किस कारोबार से जुड़े हैं? जी मेरी एक ट्रैवल एजेंसी है, इस कारोबार में 3-4 महीने तो मंदी रहती है, बाकी मुनाफा सैलानियों के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए मेरी आर्थिक स्थिति भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है और परिवार में 2 छोटे-छोटे बच्चे। मासा आप ही बताइए, अगर हम अपने परिवार के बारे में सोच के कोई फैसला कर रहे हैं तो क्या हम गलत हैं? साहब इनका कहना है कि भाई कोई फैसला कर रहे हैं, गलत है क्या सही क्या है, माँ होती है ना माँ, उनका तो जो है बच्चे की औलाद की खुशी में ही फैसलों लेने का अधिकार। लेकिन इन दोनों ने जो अपनी मासा को बार बार जो SMS किया है ना, SMS करना छोड़ दें ना करें। नहीं नहीं एक मिनट प्रताप जी, ये किन SMS की बात कर रहे हैं? आपके पास है फोन, हम देख सकते हैं SMS? अजी मैं बताता हूँ, गायत्री फोन दे, फोन दे। ले SMS भी भारी पड़ रहे हैं, आप खुद ही देख लो। SMS तो है, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस फोरम में पढ़ के सुनाऊं। हाँ बिल्कुल जी सुनाइए। कृष्णा कहते हैं, मासा तन्ने अच्छे से पता है कि हमारी हालत कैसी है, मारा मन कितनों करे है कि मैं थारे साथ आकर रहूं, पर मारा भी अपना घर संसार है, थारी इतनी फिकर लगी रहती है कि मन तो करे है कि अपना परिवार को लेकर थारे पास चलाऊं। एक SMS समर का भी है, मासा तू बापू साहब को समझाती क्यों नहीं, कह देना कि तू भी हमारे साथ आके रहेगी और बापू छोटू के पास, छोटू की इस साल अच्छी कमाई हुई है, उससे छोटू बापू साहब का इलाज करवाने वाला है। समर जी ये अभी जो मैसेज पढ़ा है आपका, इसमें आप किस इलाज की बात कर रहे हैं? जी बापू साहब के इलाज के बारे में। ना जी ना, मैं कोई बीमार बीमार नहीं हूँ, जबरदस्ती मैंने बीमार साबित करने की कोशिश कर रही। कोई जबरदस्ती ना कर रहे हैं। हमें क्या मिलेगा ऐसे साबित करके? ये जो बड़े बड़े डॉक्टरों से बात कर रहे हैं आपके इलाज के लिए, क्या ये सब झूठ है? ये फाइल सब झूठ है? दिखा फाइल छोटे मैंने दे। एक मिनट प्रताप, ये देखिए क्या कर रहे हैं आप। बैठो प्रताप जी, आप बैठिए। थैंक यू प्रताप जी, बैठ जाइए आप। साहब इस मेडिकल रिपोर्ट का यहाँ क्या लेना देना? कुछ भी हो, ये मेडिकल रिपोर्ट से क्या साबित करना चाह रहे हैं? देखिए अभी तो हमने देखी भी नहीं है रिपोर्ट, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बैठिए ना, प्लीज बैठ जाइए। प्रताप जी ये जो मेडिकल रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं, ये आप ही की हैं? आपको अल्जाइमर्स है अर्ली स्टेजेस में और पिछले 6-7 महीने से आप इससे जूझ रहे हैं, अब आप बताइए कि क्या ये सही है? बोलिए। ये रिपोर्ट मेरी जो है कोई छोटी मोटी बीमारी की हो सकती है, बाकी मेरे कोई ऐसा कुछ नहीं है। प्रताप जी आप क्यों हेजिटेट कर रहे हैं? देखिए इस उम्र में इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं, इसका इलाज भी है, इसमें इतने परेशान होने की कोई बात नहीं है। हम अपने दर्शकों से भी ये बताना चाहेंगे कि ये बीमारी अल्जाइमर ये बड़ी उम्र में बुढ़ापे में याददाश्त भूलने की बीमारी है और इसके अर्ली स्टेजेस जिससे कि प्रताप जी गुजर रहे हैं उसके सिम्टम्स कुछ ऐसे हैं कि आप किसी चीज को कहीं रख के भूल जाते हैं, आप अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं, आपको चीजों में दिलचस्पी नहीं होती, और अगर ये बीमारी थोड़ी एडवांस स्टेज में चली जाए
तो उसके लक्षण ऐसे हैं कि आप अपने बच्चों का नाम, उनका चेहरा भूल जाएंगे, यहाँ तक कि आप अपने खुद की पहचान और अपना नाम तक भूल जाते हैं। प्रताप जी, आपकी बीमारी तो अर्ली स्टेज पर है, इसमें ऐसी कोई घबराने वाली या छुपाने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, आप अपने परिवार के मदद से, उनके सहयोग से इसे डटकर लड़ सकते हैं। अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, बापूसा घर से मंडी के लिए निकले, पहले तो रास्ते में यही भूल गए कि जाना कहाँ है, और फिर घर का पता और फोन नंबर भी। बड़ी मुश्किल से 2-3 घंटे में वापस आए। यहाँ तक कि मासा कितनी घबरा गई थी पता है आप लोगों को? अब मैं तब जैसलमेर में था और मारा छोटा बीकानेर में। फोन पे फोन किए जा रहे पर बापूसा का कोई पता नहीं है। बापूसा अपना फोन घर पे ही भूल गए थे। अब बोलिए। देखो, थारा लोगों ने हमारी वजह से जो तकलीफ हुई है ना, सबसे निवेदन है मैंने माफ कर दिया। साहब, मैं और मेरी बीदनी दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। इस औलाद के साथ कभी नहीं रहना चाहते हम। अरे जो औलाद जिसको मैंने पाला, इतना बड़ा किया, वो हमें अजनबी समझते हैं, एक गैरों जैसा व्यवहार करते हैं हमारे साथ, हमारा अपमान करते हैं। रहने दीजिए ना जी। गायत्री जी, प्रताप जी, क्या बात है? कोई ऐसी बात है जो आप दोनों को परेशान कर रही है तो प्लीज इस फोरम से बताइए। क्या कहना चाहते हैं आप, बोलिए। देखिए जी, 1 साल पहले मेरा रिटायरमेंट हो गया था, बावड़िया है। मुझे बोलिया शाह जी, अपन दोनों साथ चल के बेटों और बहू के साथ रहेंगे। हम लोग समर के रहने आ गए दोनों। हमारे दोनों की वजह से इन दोनों में आपस में झगड़ा होने लग गया। हमारे पोता पोती जो हमारे जिगर के टुकड़े हैं, उनको भी हमसे मिलने नहीं देते, डांटती है बहू। बस बापू साहब, बस आप हम सब पर इल्जाम लगाए चले जा रहे हैं। आखिर आप इस फोरम को बताना क्या चाहते हैं? मेरा मुंह मत खुला दो। क्या मतलब है आपका प्रताप जी? बात यह जी, इसने कभी भी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा जो हमें जलील नहीं किया हो। बापू साहब गलत बोल रहे हैं, मैंने आपको कभी भी जलील नहीं किया। हम लोग जब जयपुर आते थे तो मासा अपने घर को बिल्कुल वैसे ही चलाती थी जैसे वो सालों से चलाती चली आई हैं। मेरे और प्राची के आने के कारण वो अपने घर के तौर तरीके बदल नहीं देती थी, तो मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया। इसमें कौन सी गलती कर दी? ये प्राची कौन है जानवी जी? जी, हमारी देवरानी और कृष्णा भाई साहब की बिंदनी। प्रताप जी, जानवी जी का कहना बिल्कुल सही है, हर गृहिणी अपने घर को अपने तौर तरीके से चलाना चाहती है, तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत कुछ नहीं है मैडम जी। क्या है, ये जो मेरी घरवाली है ना, इसको खाना बनाने का बहुत शौक है। ये बहू हमारी बड़ी, ये जानती थी इस कमजोरी को, इसने उसका फायदा उठाया। बापू साहब बिल्कुल गलत कह रहे हैं, मैंने कभी भी मासा का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की है। और अभी अभी आपने इस फोरम में सबके सामने कहा कि मासा को घर का कामकाज करने का शौक है, तो इसमें क्या तकलीफ है? तकलीफ इस बात की है, इस बहू ने उस कमजोरी का फायदा उठाया और इसने घर में पार्टी रखी, इसने सारा काम किया। इसने क्या कहा बहू ने कि आज हमारी नौकरानी छुट्टी पर है, इसलिए सासू जी सेवा कर रही हैं। इसने कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा जब हमें जलील ने किया हो, हमारा अपमान ना किया हो इसने। बापू साहब, मैंने कभी भी मासा का और आपका अपमान नहीं किया। दरअसल तू कभी खुश ना रही कि हम तुम्हारे घर आके रहे, तूने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा जब ताना ना मारा हो। अरे मैंने कभी भी ताना नहीं मारा बापू साहब, और अपने घर में कामकाज करने में भला क्या शर्म है? बस बिन्नी, बहुत बोल चुकी तू, हरे को मारी इज्जत करने कभी आई नहीं। ऐसी बात ना है मासा। ऐसी ही बात है, तुझे समझाया था ने, तू ही कह रही इतने की बहू बेटे के पास चले, मना किया था ने मैंने। बापू साहब आपकी सारी नाराजगी भाई साहब भाभी साहब से है ना, आपको उनके घर जाने में एतराज है ना, तो आप मेरे घर चल कर रहिए। प्रताप जी, गायत्री जी, आपको अपने छोटे बेटे के घर रहना मंजूर है? आप दोनों रहना चाहेंगे उसके साथ? प्रताप जी, गायत्री जी, आपके मन में कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है, आप बताइए फोरम से। जब से कृष्णा की बिन्नी प्राची पे आके हमारे घर आई, तब से लेके आज तक उसने कभी हमारे परिवार को अपना माना ही नहीं। तो हमने सोचा कि हम जाके वहाँ कुछ दिन रहेंगे,
प्राची का मन पढ़ेंगे, लेकिन लेकिन के? जब भी हमारी बहू हमारे साथ बैठी ना, हमारे दुख सुख की कोई बात नहीं।